Assalamu alaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. In previous lecture we studied about parts of brain और ये सारी चीज़ें हम अपने previous lecture में discuss कर चुके हैं. Forebrain, midbrain और hindbrain. Forebrain में हमने देखा था क्या क्या उसमें शामिल है. Cerebrum शामिल है, olfactory lobes, diencephalon. और midbrain में हमारे क्या शामिल है, crura cerebri, corpora caudi, jemina शामिल है. और हमारे hindbrain में पॉन्ट्स, वेरुलाय, मेडुला ऑब्लिगाटा और सेरिबेलम. ठीक, तो हम आज इस फोर ब्रेन को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले इन डिटेल पे. ठीक है, तो फोर ब्रेन में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं, सेरिब्रम, ऑल्फैक्ट्री लोब और डाइनसेफलॉन. इन तीनों चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेरिब्रम की. तो सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन. ठीक, सेकेंड पॉइंट ये है सेरिब्रम के अंदर क्या है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं. टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब अगर हम ऊपर से स्कल को हटा दें, मेनिंजेस को हटा दें, तो वो कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा ऊपर से देखने में. ये ऊपर से ये कुछ इस तरह से इसके अंदर फिजर नज़र आता है. ठीक है, फिजर मैंने आपको बताया था कि गड्ढे को फिजर कहते हैं. ठीक, और ये नीचे वाली साइड से ये कनेक्टेड होता है. ठीक है, तो और अगर इसके शेप को हम देख समझने की कोशिश करें तो किस तरह से होता है, ये अखरोट जैसा इसका शेप होता है, वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. ठीक है, अखरोट को अगर हम तोड़ें तो वो अंदर से कुछ इस तरह से उसके दो हेमिस्फीयर जो जुड़े हुए होते हैं ना, तो और कितना रफ उसका जो उसकी जो स्किन होती है वो कितनी रफ़ सी स्किन होती है उसकी. सही, वो रफ़ नहीं होती, वो एक्चुअली ये फोल्ड्स होते हैं उसके ऊपर, ये इस तरह के ये फोल्ड्स होते हैं. और इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं, इन फोल्ड्स को कहते हैं कॉन्वोल्यूशंस. और ये क्या करते हैं, ये करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को. आपने ये तो सुना ही होगा कि कहा जाता है कि जिसका ब्रेन जितना ज़्यादा बड़ा होता है वो उतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, ऐसा होता है. और अगर हम अपने ब्रेन को, हम जितना ज़्यादा अपने ब्रेन को यूज़ करेंगे वो उतना ही ज़्यादा शार्प होता चला जाता है. ये भी अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ आपको. हम अपने ब्रेन को जितना ही यूज़ करेंगे और जितना हम उसे अच्छी चीज़ों में यूज़ करेंगे, हमारे ब्रेन का जो साइज़ है वो इतना ही बढ़ता है. और जितना हमारे ब्रेन का साइज़ बढ़ेगा, ये फोल्ड्स जितने ज़्यादा होते हैं ये उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स को कैरी करते हैं. ठीक, बट दैट इज़ ऑलवेज अ चॉइस ऑफ योर्स, बट एट लीस्ट यू आर गिफ्टेड विद दैट. लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी आपको थकावट महसूस हो जाती है, सर भारी होना शुरू हो जाता है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू रेस्ट एज वेल. ठीक है, लेकिन जब भी आप अपने ब्रेन को यूज़ करें, उसे अच्छे कामों में यूज़ करें और अच्छे कामों में ज़्यादा यूज़ करें. तो अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो उसके अंदर दो हेमिस्फीयर होते हैं, मींस फोर लोब्स होते हैं इसके अंदर. इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो सबसे पहला पार्ट है, सेपरेटेड ऑन सुपीरियर साइड. सुपीरियर मतलब ये ऊपर की साइड से सेपरेट होगा. अगर हम ऊपर से स्कल को हटा के, मेनिंजेस को हटा के देखें, सेपरेट ऑन सुपीरियर साइड बाय लॉन्गिट्यूडनल फिजर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है. और अगर हम दूसरे इसके पार्ट को देखें, कनेक्टेड ऑन इन्फीरियर. इन्फीरियर मीन्स नीचे के साइड से, कनेक्टेड ऑन इन्फीरियर साइड बाय कॉर्पस कुलेसम ओनली इन मेमेलियन ब्रेन. ये सिर्फ मेमेलियन ब्रेन में होता है. मीन्स कि अगर नीचे के साइड से, मैंने आपको कहा कि ये कनेक्टेड होता है. ठीक है, किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, कॉर्पस कुलेसम के थ्रू कनेक्टेड होता है ये. अगर हम कॉर्पस कुलेसम को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहें और देखना चाहें कि वो किस जगह पे लोकेटेड है, तो ये कुछ इस तरह से, मैंने कहा था कि ये इन्फीरियर साइड से कनेक्टेड होता है. ये ग्रीन कलर का, ये है कॉर्पस कुलेसम. दिस इज़ अ बैंड और अ नर्व टू कनेक्ट टू हेमिस्फीयर. ठीक है, ये दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए होती है. उसके बाद अगर हम ब्रेन को मज़ीद और स्टडी करें तो इसको हमने फोर पार्ट्स में, फोर लोब्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, ये जो ऑरेंज वाला है इसको हमने कहा है फ्रंटल लोब. ठीक है, ये रेड वाला इसको हमने कहा है पेराइटल लोब. और ये जो है पीछे वाला इसको हमने कहा है ऑसिपिटल लोब. और ये वाला पर्पल वाला इसको हमने कहा है टेम्पोरल लोब. अब ये जो फोर लोब्स है हमारे पास, ये फोर लोब्स किस किस कामों में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये चीज़ें भी आपको सारी की सारी याद रखनी है. तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, सबसे छोटे से ऑसिपिटल की बात करूँ, तो ऑसिपिटल लोब का काम क्या है, विजन और कलर परसेप्शन का. मतलब अगर किसी के, खुदा ना खास्ता, पीछे के साइड पर अगर चोट लग जाती है,
ऑसिपिटल के साइड पे, ऑसिपिटल लोब के साइड पे, और अगर उसका ये वाला पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसकी जो विजन है वो कम्प्लीटली वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऑसिपिटल लोब विजन को और कलर परसेप्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पैराइटल लोब की, तो ये कंट्रोल करता है लैंग्वेज को, टच को, और क्या करता है, ये सेंसरी रिसेप्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे स्मेल, टच वगैरह, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाएँ टेम्पोरल लोब्स पे, तो टेम्पोरल लोब्स में क्या क्या चीज़ें शामिल है, हियरिंग, लर्निंग, फीलिंग्स और मेमोरी। मैक्सिमम मेमोरी टेम्पोरल लोब्स में हमारी ऐड होती है, इसमें भी होती है लेकिन इसमें मिनिमम है, टेम्पोरल लोब्स में मैक्सिमम है, ठीक है। हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम जो फील करते हैं, वो सब किसके ज़रिए करते हैं, टेम्पोरल लोब के ज़रिए से। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे कौन सा एक एरिया पाया जाता है, वर्निकीस एरिया पाया जाता है, जिससे जिसके ज़रिए से क्या होती है, स्पीच अंडरस्टैंडिंग होती है। मीन्स अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको हम समझ कैसे रहे, टेम्पोरल लोब्स के ज़रिए से हम उसको समझ रहे हैं, ठीक है। वर्निकीस एरिया इसको कहते हैं। अगर हम अब बात करें फ्रंटल लोब की, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम इसके ज़रिए से कर सकते हैं, थिंकिंग, स्पीकिंग, मेमोरी, वॉलंटरी मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉलंटरी मूवमेंट इसके ज़रिए से कर सकते हैं, क्रिएटिविटी, कैलकुलेशन, जजमेंट, मोरल सेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम ये फ्रंटल लोब से करते हैं। और क्या करते हैं, बोलना, वर्निकी वो सॉरी ब्रॉनकास एरिया, ठीक है, स्पीच प्रोडक्शन, जो हमें बोलना है, स्पीच की जो प्रोडक्शन है, वो जो हम बोलते हैं, जो हम अपने वर्ड्स को जोड़ जोड़ के पूरी जो स्पीच बनाते हैं कि हमें क्या बोलना है, वो हम कहाँ से बोल पाते हैं, फ्रंटल लोब्स के ज़रिए से, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर टू पार्ट की, ऑल्फैक्टरी लोब्स, जो कि कितनी होती है, दो होती हैं, और ये क्या होती है, ये स्मेल के लिए होती है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स जिसमें कहा जाता है ज़्यादा वेल डेवलप हो, उनकी स्मेल उतनी ही ज़्यादा शार्प होती है, सही। जैसे कि डॉग्स में, शार्क्स में, डॉल्फिन में, इन सब की जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होती है वो वेल डेवलप्ड होती है एज़ कम्पेयर टू वी ह्यूमंस। लेकिन कहा जाता है कि ह्यूमंस में फीमेल्स की ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती हैं ये लोब्स, ठीक है, पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ऑल्फैक्टरी लोब को अगर हम देखें तो ये वो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, हमारी नॉस्ट्रिल्स है, नेजल चेंबर्स हैं यहाँ पे हमारी, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम है। जैसे हवा के साथ केमिकल वगैरह अंदर आया तो वो केमिकल वगैरह यहाँ पे जाके इसको स्टिमुलेट करता है, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम को, ठीक है। और यहीं से बिल्कुल ये स्टार्ट होता है, यहाँ से ऊपर ये शुरू होते हैं हमारे बायपोलर न्यूरॉन, एक डेंड्रॉइड और एक एक्सॉन वाले, याद आया आपको, ठीक है। वो यहाँ से यू इस तरह से जाते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, और फैक्ट्री लोब हमारी ये रही, एक इस तरफ होगी और एक पीछे की साइड होगी, दो होगी इन नंबर्स, ठीक है। अगर हम इनका शेप देखें तो किस तरह का, स्पून शेप्ड है, क्लब शेप है, ठीक है। चलें अगर अब हम बात करेंगे डाइनसेफलॉन पे, तो डाइनसेफलॉन किसे कहते हैं, ये इस पूरे इस रीजन को क्या कहते हैं, डाइनसेफलॉन कहते हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है, एपिथैलेमस और हमारा थैलेमस, सही। तो सबसे पहले छोटे वाले को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये जो डाइनसेफलॉन है ये बिल्कुल कहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है। हम सेरिब्रम वगैरह को तो देख सकते हैं ना, अगर ऊपर से हम स्कल हटाए, मिनिजस हटाए, तो सेरिब्रम हमारा नज़र आएगा हमें ऊपर से, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल अंदर छुपा हुआ होता है, ये कवर होता है पूरा सेरिब्रम से, इनक्लोज बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, पूरा कवर होता है। अगर आप इसको कट करें ब्रेन को तो जाके आपको ये अंदर नज़र आएगा। अब थैलेमस को हम डिस्कस करते हैं, ये हमारा थैलेमस है, जिसको हम क्या कहते हैं, थैलेमाई भी इसको हम कहते हैं। टू ओवल बॉडीज होती हैं ये, और ये काम करती है लाइक अ रिले सेंटर। रिले गेम बचपन में सबने खेली होगी, जो स्टिक इसके हाथ से उसके हाथ में पकड़ा के जो रेस लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक रिले सेंटर की तरह किस तरह से काम करता है, जैसे ऊपर से मैसेज आया, अब इसने क्या किया, उस मैसेज को नीचे की तरफ भेज दिया, ठीक है। नीचे से अगर कोई मैसेज आया, न्यूरॉन्स आए, तो इसने क्या किया, ऊपर की तरफ भेज दिया। ये इस तरह से रिले सेंटर की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम एपिथैलेमस को, एपी का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे। एपिथैलेमस ये कहाँ होता है, ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है, ये जो ऑरेंज वाला एरिया ना थैलेमस, इसके ऊपर यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। नॉन नर्वस है ये, कोई भी नर्वस सिस्टम वगैरह को कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, सिक्रेट करता है CFS उसके साथ, पायोमेटर के साथ मिलके ये सिर्फ CSF को सिक्रेट करेगा बस। मैंने कहा था कि ब्रेन के अंदर
कि खाली स्पेस जो होती है उसके अंदर वो सिर्फ खाली नहीं होती, उसके अंदर फ्लूड भरा पड़ा होता है। तो उस फ्लूड को कौन सिक्रेट करता है? ये सिक्रेट करेगा। अब हम बात करें अगर हाइपोथैलेमस की, तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या काम करता है, ये न्यूरल रोल को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, एंडोक्राइन रोल, हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, हार्मोन्स को, ठीक है। न्यूरल रोल में ये क्या क्या करता है, थर्मोस्टेट करता है और थर्मोरेगुलेट करता है, ठीक है। अब ये किन किन चीज़ों को कंट्रोल करेगा, किन किन चीज़ों का सेंटर है हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर, स्वेटिंग सेंटर। आपको पता है कि हीट किस तरह से ट्रेवल करती है, फिजिक्स हर जगह ही पहुँच जाती है, क्या करें। तो अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो किस तरह से बाहर से हीट हमारी बॉडी में आ रही है, ठीक है। और अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो हमारी बॉडी से किस तरह से हीट बाहर जा रही है, ठीक है। अगर अच्छा एक और बात कि जैसे इन विंटर्स में, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, सर्दियों में हमें भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो ये जो गर्मियों में जो स्वेटिंग जो होती है, स्वेटिंग सेंटर यहाँ प्रेजेंट है। थर्स्ट सेंटर, गर्मियों में जब हमें प्यास लगती है, थर्स्ट सेंटर यहाँ पे मौजूद है। हंगर सेंटर, सर्दियों में जब हमें ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि अंदर से हीट बाहर की तरफ जा रही है, एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो फिर भूख भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। उसके बाद सेटाइटी सेंटर, मीन्स के पेट भर जाने वाली फीलिंग, जब पेट आपका भर जाता है वो वाली फीलिंग, तो सेटाइटी सेंटर इसके अंदर है। उसके बाद हाइपोथैलेमस इज कंट्रोल योर इमोशंस एज वेल, लाइक सेक्सुअल डिज़ायर। सेक्सुअल डिज़ायर को, आपके इमोशंस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो ये नीचे है ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, हाइपोथैलेमस जिसे हम कहते हैं। तो हमने आज अपने फोर ब्रेन को कवर किया है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।